बुजदिल भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में गोलाबारी करके सर्जिकल स्ट्राइक का दावा दाग दिया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। पाक फौज के 2 जवान शहीद, 9 जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की 3 अहम चौकियां तबाह, भारी जानी नुकसान। मरकजी सप्लाई रूट भी तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने सरहदी इलाके में भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मुस्तरद कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फिजाइया का भी कहना है कि पाकिस्तान की हदूद में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। भारतीय वाघा बॉर्डर के उस पार अपने बिलों में छुप गए। बॉर्डर पर रेंजर्स की परचम उतारने की तकरीब, डीजी रेंजर्स की भी शिरकत। जवानों की परेड से दुश्मन के दिल दहल गए। भारतीय हुदूद में सन्नाटा, सिख जवान के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जहाँ पे हम खड़े हैं सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दिन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाडे खेत। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करके भी परेशान। भारत तफरातफरी का शिकार। गुजरात से कश्मीर तक फौज हाई अलर्ट। मगरबी कमांड की छुट्टियां मंसूख। भारतीय पंजाब के सरहदी इलाके और अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स खाली करा दिए गए। स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। सरहद पर BSF के इजाफी दस्ते भिजवा दिए गए। पाक फौज का मुकाबला कैसे किया जाए, भारत के बड़े सर पकड़कर बैठ गए। नई दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली गई। नाम निहाद सर्जिकल हमलों के मुतालिक 22 मुल्कों के सफीरों को भी ब्रीफिंग। अपोजिशन रहनुमा सीता राम का कहना है कि भारतीय फौज ने सियासतदानों को उल्लू बनाया। सर्जिकल स्ट्राइक की कहानियां सुनाई गई, सबूत नहीं दिए। भारत के ओछे हथकंडे, पाकिस्तान के लिए फजाई हदूद बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर सर्विसेज एग्रीमेंट पर नजरेसानी की जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को धमकी आमेज कॉल्स। हाई कमिश्नर ने भारतीय हुकाम को तफसीलात और फोन नंबर्स फराहम कर दिए। तहफ्फुज यकीनी बनाने का मुतालबा। इंतहा पसंद भारतीयों ने पाकिस्तान के अलावा फन के साथ भी दुश्मनी शुरू कर दी। भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का पाकिस्तानी फनकारों और तकनीकी अमले पर पाबंदी लगाने का फैसला। पाकिस्तानी गुलूकार आतिफ असलम का गुड़गांव में होने वाला कॉन्सर्ट भी मंसूख। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर के दफ्तर खारजा तलबी। फायरिंग पर शदीद एहतजाज, मुरासला भारतीय हाई कमिश्नर के हवाले किया गया। सेक्रेटरी खारजा ने सीज फायर मुआहदे की पासदारी पर जोर दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास मंगल को तलब कर लिया। चारों वज़राए आला को शिरकत की दावत। इजलास में मकबूजा कश्मीर के हालात, भारत की जारहियत और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को बुलाने का भी फैसला। भारत ने जंगी जुनून में कोई हिमाकत की तो उसे मजा चखा देंगे, दो बड़ों का मुत्तफिका फैसला। वजीर आजम और आर्मी चीफ में टेलीफोनिक राब्ता। सर्जिकल हमले का भारतीय दावा झूठा और बेबुनियाद है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। सिपाही सालार की वजीर आजम को ब्रीफिंग। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफाई पैदावार के अरकान का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अरकान पार्लियामान का खैर मकदम किया।
पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने बॉर्डर की ताजा तरीन सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर अमेरिका और चीन की तश्वीश, जॉन कैरी का सुषमा स्वराज से रब्ता, भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी ना बढ़ाने का मशवरा दे दिया। तनाव खत्म कराने के लिए चीनी हुकाम के भी रब्ते, तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा है उम्मीद है दोनों मुल्क मुजाकरात से इख्तलाफात खत्म करेंगे। इसने कभी गलती से भी हमारी तरफ मेरी आंख से देखने की कोशिश की तो ये मुल्क, ये कौम, ये फौज उनकी आंखें निकाल कर पांव तले रुन देगी इंशाल्लाह। पाक फौज भारतीय फौज की आंखें निकालकर पांव तले रोंद देगी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि मोदी को पता है किसी भी हरकत का जवाब पाकिस्तानी फौज जरूर देगी। भारतीय मजालिम की वजह से कश्मीर की जमीन खून से सुर्ख हो चुकी। मोदी ने गुजरात में भी 3,000 मुसलमानों को शहीद कराया। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले नायक इम्तियाज का जसद खाकी फैसलाबाद पहुंचा दिया गया। शहीद के घर पर बड़ी तादाद में लोग जमा, रक्त आमेज मनाजर, इलाका नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नायक इम्तियाज 3 बेटियों का बाप, 20 साल तक पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दी। कंट्रोल लाइन पर शहीद होने वाले पाकिस्तानी फौजियों की श्रीनगर में गायबाना नमाज जनाजा। जामे मस्जिद में होने वाली नमाज जनाजा में हजारों कश्मीरियों की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारतीय फौज मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भारतीय फोर्सेस का नमाज जनाजा के शुरका पर वहशियाना लाठीचार्ज और शेलिंग। तहरीक इंसाफ की कल के रायवंड मार्च के लिए भरपूर तैयारियां। अड्डा प्लॉट में मैदान सजा लिया, खिलाड़ियों का रक्स, रैलियां भी निकाली गई। हुकूमत ने जलसे के मौके पर दहशतगर्दी का खदशा जाहिर कर दिया। इमरान खान कहते हैं जब भी धांधली के खिलाफ इकट्ठे होते हैं अलर्ट आ जाता है, लोग खौफ ज्यादा नहीं, कल बाहर निकलेंगे। और कराची में 8 से 10 मुहर्रमुल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत अमन अमान से मुताल्लिक इजलास। यौमे आशूर पर सूबे भर में मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला भी किया गया।